आज बात करूंगा सबसे जो परेशानी आती है ज्यादातर लोन वाले के लिए कि मेरा स्कोर नहीं है, सिविल स्कोर नहीं है, 0 या -1 है, तो उसके लिए लोन कौन सी कंपनी देगा। तो आज उसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले कि 0-1 सिविल होता क्या है। 0-1 का मतलब होता है कि अभी तक आपने कोई भी कंपनी में लोन अप्लाई नहीं किया हुआ या कोई भी लोन आपने नहीं लिया हुआ, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन, मोबाइल, कंज्यूमर लोन, कोई भी लोन आपने लिया नहीं है, तो आपका 0-1 सिविल होता है। मतलब कि क्रेडिट हिस्ट्री आपकी नहीं है, एक है, तो आपको क्रेडिट स्कोर नहीं है तो लोन देने में प्रॉब्लम आता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि आपने 2 लाख या 3 लाख के लोन अप्लाई कर रहे हो, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो बैंक वालों को क्या लगेगा अगर लोन आप रेगुलर पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका कोई ट्रैकिंग ही नहीं है, तो स्टार्टिंग बेस पे आपको लोन देने में दिक्कत आएगी। तो आपको छोटी लोन लेके स्टार्ट करना पड़ेगा, सिविल स्कोर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप बड़ी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये जो लोन है अनसिक्योर लोन होती है, उसमें का आपको सिक्योरिटी नहीं दिया होता है, तो आप लोन भर पाएंगे, रेगुलर भरेंगे या नहीं भरेंगे वो नहीं मालूम पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां है जो मैं पार्ट ऑफ 5 कंपनी जो है 0-1 सिविल पे भी लोन प्रोवाइड करता है, उसके लिए बात करूंगा। उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन छोटी लोन लेने में प्रॉब्लम भी है, बेनिफिट्स भी है। अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है तो आप लोन लेने जाएंगे, चाहे टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कोई भी लोन लेने जाएंगे अनसिक्योर लोन, तो आपके लोन रिजेक्ट होगा, नहीं पास होगा। क्यों? कि आपका स्कोर नहीं है। तो स्कोर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटी लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने में फायदा भी है और प्रॉब्लम भी है। फायदे की बात करूँ तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगी, जो छोटे लोन अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे भले आपको 2 लाख 5 लाख की जरूरत है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है उसमें 5,000 भी मिल सकता है, लाख भी मिल सकता है, 2 लाख भी मिल सकता है। तो ये छोटी जो लोन अमाउंट है उससे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो टेन्योर कम मिलेगा, 6 महीना 1 साल के लिए मिल सकता है, कम लोन है तो छोटा टेन्योर आता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जब आप ये लोन लेने के बाद जब क्लोज होगा 3 महीने 6 महीने के बाद, उसके बाद आप टॉपअप ले सकते हो, कम रेट पे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो आपको जब लोन ट्रैक रिकॉर्ड बनाएंगे उसके बाद लोन लेने में हेल्प रहेगा आपको। तो आपको सिविल स्कोर बनाने के लिए छोटी लोन लेना पड़ेगा, तो ही आपका ट्रैक बनेगा। तो ये जो 5 कंपनी है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे मनी व्यू है, ट्रू बैलेंस, क्रेडिट बी, स्मार्ट कॉइन, प्रीवो, ये सभी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप आसानी से लोन स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी लोन नहीं मिलती है। खराब मतलब कि आपने कोई DPD है, हफ्ता बाउंस सेटलमेंट ऐसा कुछ है, तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। तो आपने पे तो कर दिया है टाइम पे, लेकिन अभी सिविल सुधरा नहीं है, तो सिविल सुधारने में टाइम लगता है, तो जल्दी सुधारना है आपको तो दूसरा तरीका है, आप क्रेडिट कार्ड लेके सुधार सकते हो। क्रेडिट कार्ड भी सिविल खराब सिविल वालों को नहीं देगा, लेकिन 1-2 कंपनियां है जो आपको FD के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जाता है, और वो क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे 4 महीने 6 महीने, तो उसके बाद आपका सिविल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो सिविल बिगड़ने में और सुधारने में सबसे ज़्यादा फैक्टर है। तो जो आपको क्रेडिट कार्ड लेना है डिफॉल्ट वाले, सिविल फॉल्ट है, DPD है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाले के लिए, और आपको सिविल सुधारना है, तो क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। उसमें कुछ FD रखना पड़ेगा बैंक में, 5,000 से स्टार्ट होता है, तो 5,000 के सामने आपको 5,000 का क्रेडिट लाइन दिया जाएगा, और आप उसका इस्तेमाल करने के बाद आपका सिविल स्कोर बन सकता है, और बाद में आप बहुत सारे एडवांटेज ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो, और आपको लोन स्टार्ट करने के लिए लेना है तो डिस्क्रिप्शन में 100% ऑथोराइज एप्लीकेशन है, उसमें कोई भी प्रकार का आपको एडवांस पेमेंट नहीं करना है। अगर कोई मांग रहा है आपको पेमेंट लोन के लिए, प्रोसेस के लिए, तो गलत चीज़ है, पे नहीं करना है उसको। जो भी बैंक का खर्चा है वो काट के ही आपको अकाउंट में दिया जाएगा। तो आज ही अप्लाई करें, और सबसे ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उसको मिले और जो परेशानी आती थी उसका सॉल्यूशन करें। धन्यवाद।